ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप माप नहीं सकते, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, कंपाउंड इफेक्ट, है ना, और उसमें लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई भी एरिया अपनी लाइफ का इम्प्रूव करना है तो किसी ना किसी तरह उसको मेजर करना शुरू कीजिए, उसको मापना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी मनी को ट्रैक करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ट्रैक करिए कि आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एवरीडे आप कितना स्पेंड करते हैं, ना, क्योंकि जब हम उसको ट्रैक करते हैं, मतलब लिखते हैं कि आज मैंने इतना स्पेंड किया, कल इतना स्पेंड किया, परसों इतना स्पेंड किया, तो हम क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि हम इस एरिया में अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब हमें पता चलेगा कि हम अभी कहाँ पर, तभी तो हम वहाँ जा पाएंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो सबसे पहले वो क्या सर्च करता है, करंट लोकेशन, अभी की लोकेशन, अभी एट प्रेजेंट में हम लोग कहाँ हैं। सिमिलरली, अगर आप लाइफ में किसी भी एरिया में, हेल्थ में, मनी में, किसी में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ उससे मैंने सीखा है कि उस एरिया को हमें मेजर करना है, उसमें हमारी करंट लोकेशन क्या है। और करंट लोकेशन पता करने का सिंपलेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका है ट्रैक करना, लिखना कि भाई, फॉर एग्जांपल मनी की अगर हम बात करें तो ट्रैक करना कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं या फिर कितना अर्न कर रहे हैं, राइट, एवरीडे उसको लिखना। अगर हम हेल्थ की बात करें तो देखना कि मैं सप्ताह में किस किस दिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितनी कितनी देर के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि मैं फास्ट फूड किस दिन मैंने खाया, किस दिन नहीं खाया, किस दिन मैंने हेल्दी फूड खाया, है ना। तो जितना आप किसी चीज़ को मापेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपको पता होगा कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है।